ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि शहर हैदराबाद के मुमताज ताजिर डायरी हाजी पीर मोहम्मद साहेब उर्फ बाबू मियाँ के दूसरे फर्जंद और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बिरादर हकीकी मोहम्मद मुस्तफ़ा अली साकिन डबिलपुरा का पीर की सुबह 4:30 बजे मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। इंतकाल की इतला के साथ ही जहां उनके चाहने वालों और अजीज व अखरुबा में गम की लहर दौड़ गई, वहीं मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियतों बशमूल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकने पार्लियमान हैदराबाद, अरकान असेंबली मुमताज अहमद खान, अहमद पाशा कादरी, रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, साबिक रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, बीआरएस अखिलियती कायदीन ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन, एमए मुईद खान, साबिक सदर नशीन सेटविन मीर इनायत अली बाखरी, साबिक मेयर मजलिस बल्दिया हैदराबाद वो मजलिसी उम्मीदवार हल्के चार मीनार मीर जुल्फिकार अली, साबिक कॉरपोरेटर हमजा बिन अब्द उमर अल मारूफ, जफर पहलवान, एडिटर गोवा फाजिल हुसैन परवेज, मोहम्मद मुश्ताक हुसैन के अलावा ताजिर पेशा अफराद वकला समाजी तंजीमों के कायदीन सहाफियों और दीगर ने आजमपुरा फंक्शन हॉल पहुंचकर जहां आखिरी दीदार के लिए मैयत को रखा गया था मरहूम की लवाहिकीन बशमूल वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मोहम्मद उस्मान अली, मोहम्मद सिद्दीक अली, मोहम्मद हुसैन अली, मोहम्मद हसन अली को पुरसा दिया और इजहार ताजियत किया। नमाज जनाजा मस्जिद च्यूंटी शाह में बाद नमाज जोहर अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल कब्रिस्तान में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में बादीदा नम अमल में आई। फातिहा सेवम बरोजे मंगल बाद नमाज असर मस्जिद च्यूंटी शाह में मुकर्रर है।